देश में बोफोर्स तोप की तर्ज पर बनी धनुष तोप में भी बड़ा खुलासा हुआ। आरोप लगे कि एक कंपनी ने धनुष तोप में लगने वाले कलपुर्जे मेड इन जर्मनी के नाम पर सप्लाई किए, लेकिन वो सामान दरअसल चीन में बना हुआ था। सीबीआई ने आरोपी कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये गर्जना देश में बनी धनुष तोप की है। धनुष को बोफोर्स तोप का देसी वर्जन कहा जाता है। धनुष तोप 38 किलोमीटर तक देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने के लिए तैयार की गई है, लेकिन इस तोप के निर्माण में ऐसा खुलासा हुआ है जो हैरान कर रहा है। आरोप लगे हैं कि एक कंपनी ने मेड इन जर्मनी के नाम पर धनुष के लिए चीनी कलपुर्जे सप्लाई किए हैं। सीबीआई ने धनुष के लिए मेड इन चाइना पार्ट सप्लाई करने पर एफआईआर दर्ज की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जिस कंपनी पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है वो दिल्ली बेस्ड है और उसका नाम सिद्ध सेल्स सिंडिकेट है। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक बोफोर्स तोप के देसी वर्जन धनुष में इस्तेमाल के लिए चार बेयरिंग के ऑर्डर के लिए टेंडर मंगाए गए थे। किसी घूमने वाली मशीन के अंग को संभालने के लिए बेयरिंग का उपयोग होता है। 2013 में 35,38,000 रुपए का ऑर्डर सिद्ध सेल्स सिंडिकेट को दिया गया। 27 अगस्त 2014 को इस ऑर्डर को रिवाइज्ड किया गया। चार की जगह 6 बेयरिंग का ऑर्डर दिया गया। कीमत भी बढ़ाकर 53,07,000 रुपए कर दी गई। कंपनी ने अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 के बीच दो की खेप में ये बेयरिंग सप्लाई कर दिए, लेकिन सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि जो बेयरिंग सप्लाई किए गए वो बताए तो मेड इन जर्मनी थे, लेकिन हकीकत में वो मेड इन चाइना थे। खास बात यह है कि इन्हें मेड इन जर्मनी बताने के लिए कंपनी ने फेक लेटरहेड का इस्तेमाल किया। धनुष तोपे भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम हैं, लिहाजा सरकार ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।